बाल छूट क्यों बंधन परे कशु ना होते उपाय गुरपर्सन कौर दिल्ली तो आई हाँ और जिस दिन भी आई हाँ जिस तरह की 12 तरीक नूं असीं इत्थे आए सी उस टाइम साड़ा जो वेलकम है बहुत जबरदस्त तरीके नाल कीता गया सानू हार उठ पाए गए सानू इन्ना अच्छा लग्या उस तो बाद तो सानू मतलब असीं साड़े कोल अल्फाज नहीं है कि असी किस तरीके नाल बयान करिए इन्ना बेहतरीन मतलब अवार्ड सानू इत्थों ही मिलिया बेहतरीन इन्ना स्वागत किया उस तो बाद एक एक चीज़ जिहड़ी साड़े मूँह चो निकल रही सी सानू प्रोवाइड कराई गई मैं उन्होंने बोलिया कि पानी नहीं है तो कहते जी 20 मिनट बाद तुहानू पानी मिल जाएगा उसी टाइम पानी आ गया असी हैरान हो गए उन्होंने स्टेशन ते ट्रेन रुकवाती और पानी का पूरा अरेंजमेंट कराता सानू बहुत अच्छा लग्या साढ़े को अल्फाज है ही नहीं असी यदी इस कंट्री दी इस मुल्क दे लोगों की किन्नी सिफत करिए बहुत घट है गुरुद्वारे च भी अरेंज बहुत अच्छा सी सिक्योरिटी गार्ड ने सानू मैं कल उत्ते गई सी केड़ा हैगा उपर वली गंदारी तो मेरे को जाया भी नहीं जा रहा सी पर इन्हां लोगों ने होर सपोर्ट दी चलो चढ़ो भैन जी चढ़ो माता जी चढ़ो पर मैं उत्ते तक पहुँची और उस तो बाद लास्ट परसन मैं सी जड़ी वापिस आई और इन्हों लोगों ने मेरी मतलब पुलिस वाले ने गार्डन ने इन्हें सब ने इन्नी हिम्मत बंधाई कि मैं बड़े आराम नाल वापिस भी आ गई और हर चीज़ की दवाइया दी दर्द दी हर चीज़ दी इन्होंने मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं इत्थे सहूलत मिली है और मैं कभी भुल नहीं सकती
थैंक यू सो मच। हमारा सबसे पहले हमारा अपने फादर बाप को है, पहला बापू तो हमारा यही है ना, गुरु नानक देव जी उनका जन्म स्थान है, इसलिए तो हमारे अपनी धरती हुई ना, इसको हम पराई धरती बोलेंगे ही नहीं कि कैसा लगा, और लगा तो अपने घर आकर कैसा लगता है, आप भी बताइए अपने। मेरा नाम हरदेव सिंह है, मैं अमृतसर से आया हूँ और जत्थे के साथ आया हूँ। आपका जो स्वागत किया हमारा आपने, आपने आपके मुल्क में आते हैं, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया इंतजाम किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों ने बहुत हमें सत्कार दिया, ठीक है, यहाँ पर भी हम रहे हैं, 3 दिन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलकर, लोगों ने बहुत प्यार किया हमसे। हाँ जी, तो असं हूँ चले हाँ, साढ़े अच्छी 3 दिन का दर्शन होया पंजा साहिब गुरुद्वारे ते, ते फैसिलिटीज़ वधिया सीगी, सिक्योरिटी भी सही सी, जे साढ़े वो जड़े उपर जे दरबार सीगा उधर भी साढ़े नाल गई सिक्योरिटी, तो वधिया लगे सिक्योरिटी गार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं आई सानू। और बाहर दे और हुण चले असी लाहौर ननकाणा साहिब गुरुद्वारे, हुण भी देखो सहयोग करते पए ने, इधर की पुलिस साथ दिंदी पई है, वो बहुत बहुत वधिया गल है। हाँ जी हाँ जी, प्यार तो मिले है हले, इधर हर साल आवांगे, कोशिश करांगे, तो फिर अगली बार फिर वीज़ा लगे साडा, फिर असी आइए इधर दर्शन कराने वास्ते। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम इंडिया निवासी दिल्ली से आए हैं और मैं इधर पहली बार आई हाँ, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के स्थान पंजा साहब दर्शन करने वास्ते, और होर भी जेडे गुरु नानक देव जी महाराज जी के इतिहासिक गुरुद्वारे ने उत्थे दर्शन करने वास्ते मेरा आना, मैं समझती हाँ अकाल पुरख दे ही कोई किस्मत सी जो मैं इधर आके दर्शन भी किए, और इधर दी आवाम नू मैं आके मिली, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी सत्कार जो इन्होंने सानू दिता है, बख्शे है, और होर कंट्रीज तो मैं पता नहीं, लेकिन इधर मैं बहुत मिले, और अकाल पुरख मेहर करे अगे भी सानू दर्शना दारे बख्शिश करता रहे। अरे बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, इतने अच्छे हैं, इतने नेक दिल के लोग हैं, इतनी सेवा भावना है, इतना प्यार है, इतना आदर है, इसको मतलब अगर बोलना शुरू करेंगे तो शायद शायद पूरा दिन बीत जाएगा तारीफों में। पाकिस्तान इंतजामिया जिंदाबाद, हसन इंतजामिया जिंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देश परदेस बैठिया सारिया संगतां नूं खालसा दिवस दियां लख लख वधाइयां होण। वाहेगुरु जी ने कृपा की, जिवें साडे ते मेहर की, पंजा साहिब जी दे खालसा दिवस दे दर्शन किते आ, सारिया संगतां नूं महाराज इदां ही तंदुरुस्तियां दे दातां बख्शे, वाहेगुरु सारे परिवारां ते मेहर भरिया हथ रखे, ते इत्थे दे गुरधामां दे दर्शनां दी दात बख्शे। इत्थे आ के संगतां बहुत ही खुश आ, पाकिस्तान जा के तीर्थ यात्रा करके पंजाब रेडियो राही संगतां निहाल निहाल होईयां हन। महाराज कृपा करे, जिवें साडियां संगतां नूं महाराज ने दात बख्शी है, सारे परिवारां नूं संगतां नूं वाहेगुरु दात बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाकी मजा नहीं आया, 4 बजे गया है राती, आखिरी 4 बजे।